बिहार के रोहतास में लगभग 112 सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा इस बार भी कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लंकेश पूरी तरह से डिजिटल होंगे, यानी लंकेश बोलेंगे भी, हंसेंगे भी। इतना ही नहीं, इनका दहन इस बार रिमोट कंट्रोल से होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल रोहतास जिले के डालमिया नगर में सबसे बड़े रावण वध कार्यक्रम को लेकर आज शाम 5:30 बजे उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि लगभग 50,000 से 1,00,000 तक लोगों की भीड़ दहन की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। रोहतास SP विनीत कुमार इस बार रिमोट से रावण का पुतला सहित कुंभकर्ण व मेघनाथ का भी दहन करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं पूजा समिति के आचार्य विनय बाबा बताते हैं कि हर साल पारंपरिक तरीके से रावण का दहन राम जी के द्वारा तीर मार कर की जाती थी, जिसमें रॉकेट लगा हुआ होता था, लेकिन इस बार कुछ नया करने की सोच और जज्बे के साथ डिजिटल तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें रावण हंसेंगे भी, बोलेगा भी तथा उसकी दोनों भुजाएं भी हिलेंगे। इतना ही नहीं, रावण की आंखें भी चमकेगी, जिसमें बल्ब लगी हुई होगी। इसके लिए 13 सदस्य टीम लगातार कार्य में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत, दुर्गा पूजा एवं दशहरा लोगों में शांति, समृद्धि एवं भाईचारा लेकर आए हैं। इसके लिए नीलकंठ एवं गुब्बारा भी मुक्त किया जाता है। वेदों के अनुसार इस दिन नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है, तो वहीं कमेटी के द्वारा लोगों के जीवन में शुभ अवसर पर लाभ के लिए सभी के बीच नीलकंठ को लेकर मुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान 2020 एवं 21 में सरकार के पाबंदी के कारण रावण दहन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी निराश भी था। वहीं इस बार रावण के साथ साथ कुंभकर्ण एवं मेघनाथ की दहन के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होने की संभावना है, जिसे लेकर कमेटी और प्रशासन पूरी तैयारी कर ली है। रावण इस बार डिजिटल बनेगा, रावण बोलेगा, हंसेगा, आपको उसकी आंखें चमकेगी, भुजाएं हिलेगी, ये सब नए नए सिस्टम बनेंगे। हम लोग एक से एक, हमारे शास्त्री जी विनय बाबा जो हैं, उन्होंने कहीं कहीं से सब आइडिया बटोर जोड़ के अपना सब सारी प्रोग्राम बनाए। कितनी टीमें लगी हुई हैं इसमें? इसमें हम लोगों का कम से कम 10 से 15 टीमें हैं। सब स्थानीय हैं लोग? सब स्थानीय हैं, कुछ लोग बाहर के भी हैं और टीमें रिमोट वगैरह वाले ये सब तमाम, लेकिन अधिकतर यहीं का स्थानीय है। रावण दहन कैसे होगा? रावण दहन रिमोट द्वारा होगा। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय पांडे। ये ऐतिहासिक झंडा चौक का मैदान है डालमिया नगर औद्योगिक प्रांगण में। हम लोग इस बार 113वें रावण पुतला दहन करने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, सावधानी बरती जाए। भीड़ को देखते हुए, भीड़ की कोई सीमा होती नहीं है और भीड़ की कोई भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती है कि भीड़ कितना होगा, लेकिन सावधानी हमारी प्राथमिकता है। पहले हम रॉकेट या राम को बनाते थे, राम लक्ष्मण सीता, राम जी आते थे और धनुष बाण से वो पुतले का दहन करते थे, रावण के नाभि में वो बाण मारते थे। इसके बाद हम लोग पैरासूट का भी प्रयोग करते थे, लेकिन पैरासूट या वो धनुष बाण कहीं भीड़ में चला जाए तो उसे दुर्घटना की संभावना होगी, इसलिए हम लोगों ने रावण को पूरी डिजिटल करते हुए सेंसर के माध्यम से हम लोग इसे रिमोट के द्वारा जलाएंगे। और विशेषकर परंपरागत हमारी यहाँ परंपरा रही है कि यहाँ रावण पुतला दहन पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा होता रहा है, तो इस बार भी हमारे रावण पुतला दहन का आयोजन के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक रोहतास होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाम हमारे ये सदस्य रहेंगे। अन्य हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये हमारे सभी लोग इकट्ठा होंगे। हमने सेंसर और रिमोट से रावण पुतला दहने का 5 वो हमने डेमो भी कर चुका है। 5वीं डेमो हमने प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने ऐसा हमने किया ताकि ये प्रमाणित हो सके। कितने रुपए खर्च? ये रावण का व्यक्तिगत खर्च जो है 9,00,000 रुपए तक का है, ऐसा बजट बताया गया है और अभी तक 7,55,000 रुपए खर्च हो चुके हैं।